एसबीजी ने स्पष्ट कर दिया है आज से 20वें 21वें दिन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 10 लाख सरकारी नौकरी की, समान काम के समान वेतन, संविदा के पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करने के अलावा किसानों का जो भी ऋण है वो सब कंप्लीट माफी। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रिचा शर्मा। बिहार में चुनाव होना है तो चुनाव से पहले सभी पार्टियों की तरफ से घोषणा पत्र यानी कि उनका एजेंडा भी जारी किया जा रहा है, बताया जा रहा है। इसी क्रम में आज आरजेडी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के क्षेत्र में गांव को कैसे स्मार्ट गांव बनाया जाएगा और तमाम ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिस मुद्दे के साथ आरजेडी जनता के बीच जाएगी, खुद बता रहे हैं राज्यसभा सांसद मनोज झा। आप सुनिए कैसे एक के बाद एक करके वो बता रहे हैं कि उनके मैनिफेस्टो में सबसे मुख्य बातें क्या है। ये घोषणा पत्र नहीं है, ये प्रण हमारा है, संकल्प के बदलाव के साथ जो कि सच होने वाला है। एक एक जो बिंदु जो आप देखेंगे उसके पीछे पूरी की पूरी एक बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि कि हम कैसे करेंगे। साथियों, रोजगार के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे केसवीजी ने स्पष्ट कर दिया है आज से 20वें 21वें दिन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 10 लाख सरकारी नौकरी की, समान काम के समान वेतन, संविदा के पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करने के अलावा किसानों का जो भी ऋण है वो सब कंप्लीट माफी, आज तक के जो भी ऋण होंगे। उसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो अपने आप में अर्थव्यवस्था को, सरकार को बड़ी चिंता होती है, हमारी सरकार आते ही तेजस्वी जी के नेतृत्व में रिवेन्यू जनरेशन पर भी काम होगा कि राजस्व किस प्रकार बढ़े। बिहार की मौजूदा बिजली दर इतनी कम हो जाएगी कि लोगों पर से जो बोझ है वो खत्म हो जाएगा। हमारा ये भी कहना है कि जब मिथिला में जीआई बिहार, वो जीआई मिथिला होगा और तमाम अलग अलग क्षेत्रों के जो वहाँ की चीज़ें हैं उसके आधार पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उद्योग पहली बार आएंगे। बिहार में शिक्षा बजट शायद पहली बार हम 22% करने वाले हैं, 22% राजकीय बजट में शिक्षा के बजट का हिस्सा होगा। उसके अलावा बिहार युवा आयोग के गठन पर, बाकी आंगनबाड़ी, जीविका दीदी, आशा कर्मी, रसोईया सबके के बारे में जो अब तक बात हुई है कि दोगुना से ज़्यादा किया जाएगा। गांव और शहर की सुविधाओं के फर्क को हम खत्म करके रख देंगे। और आखिरी में मैं कहना चाहूँगा कि पुरानी पेंशन योजना लाने को हम प्रतिबद्ध हैं। जैसे वित्त रहित महाविद्यालयों के बारे में बात हुई, वित्त रहित विद्यालयों के बारे में उनके कर्मचारियों की समस्या का निदान होगा। कंप्यूटर शिक्षक जो आंदोलनरत हैं उनकी समस्याओं का निदान करके उन्हें भी स्थायी किया जाएगा। संविदा नाम की कोई चीज़ नहीं होगी इस बिहार में, नए बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में।